को दिल्ली से दे रहे हैं पीएम मोदी से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की मुलाकात। ब्रजेश पाठक ने पीएम मोदी से मुलाकात की है और इस मुलाकात के दौरान कई अहम मुद्दों पर बातचीत भी हुई है। तो देखिए मुलाकात के दौरान की तस्वीर टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पीएम मोदी से मिले पहुंचे दिल्ली से, इस वक्त की ये बड़ी जानकारी और दिल्ली से ही ये बड़ी तस्वीर जिसमें दोनों जन आपको मुलाकात करते नजर आ रहे होंगे। फूलों का एक गुलदस्ता डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और इस मुलाकात के दौरान कई अहम मुद्दों पर बात भी हुई है। तो ये बड़ी जानकारी दिल्ली से आपको दे रहे हैं, पीएम मोदी से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मिले। तो मुलाकात की ये तस्वीर और ट्वीट के जरिए उन्होंने जानकारी दी। विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय जन नेता, हम सभी के प्रेरणा स्रोत, गरीब कल्याण के लिए समर्पित आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से आत्मीय भेंट कर तीन राज्यों में बीजेपी की प्रचंड जीत की हार्दिक बधाई देते हुए गरीब कल्याण और संगठन के कई विषयों पर मार्गदर्शन और आशीर्वाद। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का यह ट्वीट। संवाददाता निशांत राय का रुख करते हैं। निशांत, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात, इस मुलाकात के दौरान क्या कुछ रहा, क्या कुछ अहम मुद्दे रहे बातचीत के? मुलाकात का समय जो है वो बेहद अहम है क्योंकि उत्तर प्रदेश में जल्द ही कैबिनेट विस्तार हो सकता है और ऐसे में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई। तो इस मुलाकात में प्रचंड जीत की उन्होंने जरूर बधाई दी जो उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, लेकिन उनकी इस मुलाकात को देखा जाए क्योंकि इससे पहले भी केशव मौर्य डिप्टी सीएम जो है उन्होंने भी मुलाकात की थी प्रधानमंत्री से, और उनसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी मुलाकात हुई थी प्रधानमंत्री से। यानी कि उत्तर प्रदेश बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व लगातार केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात कर रहा है। ऐसे में चर्चा बहुत जोरों से है कि उत्तर प्रदेश में कैबिनेट विस्तार को लेकर जिस तरीके से तैयारियां चल रही है, हो सकता है कि इस मुलाकात में उस पर भी बात की गई हो। इसके अलावा और क्या कुछ मुद्दे और अभी फिलहाल आगे का क्या यहाँ पर कार्यक्रम निशांत? देखिए अभी अगर कहा जा सकता है कि 2024 के चुनाव को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जरूर दिशा निर्देश दिए होंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां से 80 लोकसभा सीटें आती हैं और बीजेपी को अगर प्रचंड जीत हासिल करनी है 2024 के लोकसभा चुनाव में तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में अधिक से अधिक संख्या में सीट जीतनी होंगी, जिसके चलते बीजेपी उत्तर प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहा है और बीजेपी के अन्य शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर रहा है।